इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने सीबीएसई स्कूल संचालकों की बैठक आयोजित की, जिसमें पालकों द्वारा आ रही फीस संबंधी समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं स्कूल संचालकों ने भी अपना पक्ष रखा। कलेक्टर मनीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि सीबीएसई स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही चार्ज करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण काल में मध्य प्रदेश में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद हैं। स्कूल बंद होने से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है। वहीं इंदौर में सीबीएसई स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस के अलावा स्कूलों द्वारा अतिरिक्त फीस चार्ज करने की शिकायत आ रही थी, जिसे लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने सीबीएसई स्कूल संचालकों की बैठक आहूत की और फीस के मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं छोटे अभिभावकों के लिए भी है, पर उनकी मजबूरियां भी बहुत ज्यादा है। आप लोग स्कूल संचालक लोग हो, आपका कैपिटल कुछ रहता है, अभिभावकों की स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे बैंक खाते अगर आप देखेंगे तो जीरो मिल बैलेंस चल रहा होगा, बहुत बड़ी ऐसी स्थिति है इस समय। तो कहीं ना कहीं बहुत एक कंसिडरेट अप्रोच आप लोगों को भी रखना पड़ेगा। कुछ पुराने प्रॉफिट से भी एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग, करना चाहिए आप लोगों ने कठिन परिस्थिति में देखते हुए। बैठक में स्कूल संचालकों ने भी अपना पक्ष रखा और खुलकर कलेक्टर मनीष सिंह से बात की और पालकों के बिहेवियर को लेकर भी पक्ष रखा। दोनों तरफ ही मतलब वो लोग जो स्कूल्स जो चैलेंज फेस कर रहे हैं उन्होंने वो भी बोला, और फीस को लेकर पालकों के बिहेवियर को लेकर भी, और जो गवर्नमेंट ने बोला है उसका जो पालन नहीं हो रहा है कई बार उसको लेकर भी, और कुछ लोग जो इंस्टिगेट भी कर रहे हैं तो उसके लेकर बात हुई है। अच्छी हुई है एंड आई एम हैप्पी कि ये खुल के तो कम से कम स्कूल्स को तो बुलाया उनका पक्ष सुनने के लिए। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि बच्चे हमारा भविष्य हैं। कुछ दिनों से शिकायत आ रही थी कि सीबीएसई स्कूल ट्यूशन के अलावा अतिरिक्त फीस भी चार्ज कर रही हैं। वहीं कुछ स्कूल एक ही जगह से स्टेशनरी या अन्य सामान खरीदने के लिए बाध्य कर रही हैं। इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बैठक ली गई। स्कूल संचालकों को निर्देशित किया कि वे सरकार और हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक सिर्फ ट्यूशन फीस ही चार्ज करेंगे, इसके अतिरिक्त कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी। देखिए, हमारे बच्चे हमारे भविष्य हैं और उनके लिए स्कूल्स का बड़ा महत्व है, टीचर्स का बहुत महत्व है, और ये कई सोर्सेस से ये बातें सामने आ रही थी पालकों की तरफ से कि कई कुछ स्कूल सीबीएसई के ट्यूशन फीस के अतिरिक्त भी फीस चार्ज कर रहे हैं। कुछ स्कूल्स के बारे में शिकायतें आई थी कि वो सारा फीस जो यथावत पिछले साल लिया करते थे वो सारी फीस यथावत मांग रहे हैं, और उसको बोल रहे हैं कि हम दिसंबर तक जैसे ट्रांसपोर्टेशन का मेस का आदि का हम रिफंड करेंगे। या कुछ स्कूल्स के बारे में भी शिकायतें मिली थी कि वो किसी एक बुक्स के लिए या स्टेशनरी के लिए बाउंड कर रहे हैं किसी एक संस्थान से कि वहीं से खरीदी जाएं। इन सब कारणों से चर्चा के लिए बुलाया था और इनको ये स्पष्ट किया गया है कि जो कोर्ट में भी इसमें गए थे, 15 जून को भी माननीय उच्च न्यायालय का भी अंतरिम आदेश एक हुआ है, और उसमें भी उस आदेश के तारतम्य में जो पहले गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ था तो स्कूल से ट्यूशन फीस चार्ज कर सकते हैं किंतु इसके अतिरिक्त कुछ और चार्ज नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर कोई पालक फीस देने के लिए समय मांगे तो स्कूलों को समय देना होगा। पर ये भी स्पष्ट किया गया है सभी स्कूलों को कि हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स अभी ना दे पाए तत्कालिक तौर पे, उनको अगर कुछ समय मांगते हैं तो एटलीस्ट 30 जून का तो पुराने स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर में भी था, ये समय अगर मांगते हैं दिया जाए। पर ये जरूर स्पष्ट किया है स्कूल को कि इनको जो भी लॉकडाउन अवधि के ये जो माह है ये इसमें ये लोग ऑनलाइन चाहे कोचिंग करें चाहे ऑनलाइन नहीं करें, ये इसके लिए तो इनको अधिकार है कि ये ट्यूशन फीस ले सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट की सोच ये थी जब ऑर्डर हुआ था कि जो भी टीचर्स या क्लास फोर एम्प्लॉयज या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इनके यहाँ पर वर्क कर रहा है उनकी तनख्वाह वगैरह के लिए जरूरी है कि ट्यूशन फीस चार्ज करने दिए जाए स्कूल्स को, इसके अतिरिक्त कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर कलेक्टर और सीबीएसई स्कूल संचालकों की बैठक के बाद उम्मीद है कि पालकों की समस्या का निदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।